आप यहाँ पे देख सकते हैं ये कौन भाग रहा है, जिसे मैं पकड़ने की कोशिश कर रहा हूँ, और इसे कहते हैं क्रैब इंग्लिश में। हिंदी और मराठी में इसे खेकड़ा कहते हैं। कैल्शियम से भरपूर होता है। मानसून सीज़न में इसे हर जगह पाया जाता है, और इसके बहुत सारे रेसिपीज़ हैं। गोवा में बहुत फेमस है ये। तो मैं भी आपके साथ एक मानसून स्पेशल क्रैब की रेसिपी शेयर करने जा रहा हूँ, तो वीडियो को प्लीज़ पूरा देखें। आज की ये जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, ये पूरी तरह से विलेज स्टाइल रेसिपी है और बहुत फेमस है, जिसको सर्दी खांसी होती है। क्योंकि मैं भी एक बार डॉक्टर के पास गया था, तो उसने मुझे ये कहा था कि क्रैब का करी, क्रैब का रस्सा पी लो, सर्दी खांसी पूरी तरह से निकल जाती है। तो हाँ, ये सर्दी कफ को भी पतला करता है। तो चलिए बनाते हैं विलेज स्टाइल क्रैब करी की रेसिपी। और अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे, तो बकेट में रखा हुआ था, और ये बहुत खतरनाक भी होते हैं, काटते हैं, अगर पकड़ लिया तो छोड़ते नहीं आसानी से। तो इसे पकाने से पहले इसे तोड़ना पड़ता है, साफ करना पड़ता है। एक क्रैब मैं आपको दिखाता हूँ इसे किस तरीके से साफ किया जाता है। तो इसे दोनों साइड में 5-5 फिंगर्स होते हैं, और इसमें से 2 बड़े होते हैं जिससे वो पकड़ लेता है। तो बड़े वाले वो खतरनाक होते हैं, जिसे मैंने ऑलरेडी निकाल दिया। इसमें अभी जो 4-4 दोनों साइड में बचे हैं, पहले उसे तोड़ लेना है, और फिर इसका अंदर का जो हिस्सा होता है उसे भी साफ करना है। अभी इसका अंदर का हिस्सा, जो पेट का हिस्सा होता है, उसे भी साफ कर लेते हैं। और जो मैंने 4-4 इसके फिंगर्स तोड़े हैं छोटे वाले, वो करी में नहीं डाला जाता, उसको हमको पीस के उसका रस निकालना है। और वो जो है वो मेन सूप होता है, क्रैब सूप, जो क्रैब स्टॉक बोलते हैं उसे, वो उसमें करी में मिक्स किया जाता है, और उसका टेस्ट उसकी वजह से ही बढ़ जाता है। बहुत से लोगों ने ये क्रैब इस कलर का, ब्लैक कलर में नहीं देखा होगा, क्योंकि ये स्वीट वाटर क्रैब है जो नदी में पाया जाता है मानसून सीज़न में खास करके, और हर जगह अवेलेबल होता है। और दूसरा जो होता है वो समुंदर का होता है, जो वाइट ऑरेंज कलर में मार्केट में इजीली अवेलेबल होता है। लेकिन इसका पर्टिकुलर सीज़न होता है, जैसे कि मानसून सीज़न, रेनी सीज़न में इसे खाते हैं खास करके। और वो समुंदर से ये वाला जो है ये टेस्टी बहुत होता है। तो अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ इसे किस तरीके से इसका जो पेट के अंदर जो सब गंदगी होती है इसे निकाल के किस तरीके से वॉश करना है। तो ये देखा आपने, इस तरीके से साफ करना है इसे 4-5 बार पानी में धोके, और एक बार नमक लगाने से पहले एक बार और अच्छी तरह से इसे धोना है, क्योंकि ये मिट्टी में रहता है। और जो बाकी जो हिस्से हैं जो आप देख सकते हैं छोटे छोटे वाले, इसे हमको पीसना है, उसको मैंने अलग करके रखा है। और जो जितना भी मेरे पास खेकड़ा था, क्रैब्स था, सभी को मैंने पहले से ही साफ़ करके रखा हुआ है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये बर्तन में जितनी भी चीज़ें आपको दिखाई देती हैं वो सभी की करी बनेगी और बहुत डिलीशियस बनती है। और बाकी जो छोटे हिस्से हैं मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसे मैं मिक्सी ग्राइंडर में डाल के थोड़ा पानी ऐड करके इसे पीस लूँगा, और फिर उसे छान लेना है। तो देखिए ये पीस के भी रेडी हो गया है, तो इसे अभी छान लेते हैं, क्योंकि इसमें बहुत बारीक पार्टिकल्स होते हैं शार्प वाले, वो खाना नहीं होता है, बहुत डेंजरस भी हो सकता है। तो इसे 2-3 बार छान लेना है, एक बार बड़ी छाननी से छान लूँगा और फिर छोटे वाली छाननी। तो देखा दोस्तों, विलेज स्टाइल कुकिंग कितना डिफ़िकल्ट है, थोड़ी सी मेहनत तो है ही, लेकिन बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है, बहुत ही औसम डिश रेडी हो जाता है। और इसी तरीके से विलेज वाले लोग खाते हैं बना के, इसलिए ज़्यादा हेल्दी भी होते हैं वो लोग, आसानी से बीमार भी नहीं पड़ते। और ये जो मैं छान के जो रस ले रहा हूँ, ये मेन है इस करी का, जो टेस्ट लाएगा, बेहतर टेस्ट लाता है, और इसी से डिलीशियस करी बनती है।
तो गैस पे मैंने एक कढ़ाई रखी हुई है जिसमें मैं ऐड कर रहा हूँ थोड़ा सा तेल, और मैंने बारीक कटा हुआ प्याज लिया है, एक बड़ा प्याज, जिसे मैं डाल रहा हूँ। और अच्छे तरह से हमको हल्का सा ब्राउन करके लेना है। सबसे पहले हम इसे बॉईल करने के लिए रखेंगे क्रैब्स को, और उसके बाद जब तक क्रैब्स अच्छी तरह से बॉईल हो रहे हैं तब तक हम उसका मसाला भी बना देंगे। तो ये जब प्याज अच्छी तरह से भून जाएगा तो इसमें मैं ऐड करूँगा एक कटा हुआ चॉप किया हुआ टमाटर। यहाँ पे हम जो क्रैब की ग्रेवी है अलग अलग तरह की बना सकते हैं, लेकिन जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ वो गोवा साइड की रेसिपी है, और ये कोकोनट ग्रेवी होती है। बहुत ही डिलीशियस, बहुत ही बेहतर, बहुत ही अच्छी लगती है। ये सिर्फ गोवा में ही नहीं बनाई जाती, लेकिन गोवा के करीब जो कोंकण रीजन है जो महाराष्ट्र में आता है उधर भी इसी तरीके से करी बनाई जाती है। थोड़ी सी स्पाइसी होती है और टेस्टी भी लगती है। अभी मैंने इसमें ऐड किया है 2 चम्मच घर का बना हुआ गरम मसाला, और 2 छोटे चम्मच में डाल रहा हूँ इसमें लाल मिर्च पाउडर, और इसे अच्छी तरह से एक बार मिक्स करके लेना है। ये जो गरम मसाला है बहुत स्ट्रांग है, तो हमको और कोई एक्स्ट्रा मसाला डालने की इसमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर भी जो हम आगे कोकोनट वाला मसाला बनाएंगे वो आप देख ही लेंगे उसमें मैंने क्या क्या ऐड किया। तो यहाँ पे मैंने क्रैब्स को ऐड किया है जिसे मैंने ऑलरेडी नमक लगा के रखा हुआ था, और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और इसमें हम अभी पानी ऐड नहीं करेंगे, लेकिन जो हमने रस निकाला हुआ है क्रैब का ग्राइंड करके वही रस हम इसमें ऐड करेंगे, और इसे बॉयल करने के लिए छोड़ देंगे। क्रैब्स पकने के लिए थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है अगर हम कंपेयर करें फिश से, तो फिश जल्दी पक जाता है लेकिन इसके ऊपर शेल होता है, इसके लिए थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्रैब को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है मसाले के अंदर, और अभी हम इसमें जो क्रैब का पानी है ग्राइंड करके रखा हुआ वो इसमें ऐड करेंगे। लेकिन किस तरीके से ऐड करना है वो भी ज़रा देख लीजिए, धीरे से हमको पानी डालना है, और लास्ट में जो पार्टिकल्स बचे रहते हैं उसे हमको इसमें नहीं डालना है। तो अभी हम एक बार इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और इसके ऊपर ढक्कन रख के मीडियम फ्लेम पे कम से कम 10 मिनट के लिए इसे पकने देंगे। तो ये अच्छी तरह से अभी मिक्स हो चुका है, इसके ऊपर ढक्कन रख के इसे पकने देते हैं, और तब तक हम अपना कोकोनट वाला जो मसाला है ग्रेवी का वो बना लेते हैं। तो गैस पे मैंने एक कढ़ाई रखी है जिसमें मैं थोड़ा सा तेल ऐड कर रहा हूँ अभी, और इसके साथ साथ इसमें ऐड करूँगा मैं अदरक और लहसुन जिसे मैंने काट लिया है, और साथ ही साथ इसमें प्याज भी थोड़ा सा ऐड करूँगा, और अच्छी तरह से ब्राउन होने तक हमको फ्राई करके लेना है। अब इसमें ऐड करने जा रहा हूँ मैं 1 चम्मच सौंफ, जिससे खुशबू बहुत अच्छी आती है। ऑलरेडी गरम मसाले में सौंफ होता है, लेकिन एक्स्ट्रा अगर आप थोड़ा सा इसमें ऐड करते हैं तो बहुत ज़्यादा टेस्ट बढ़ जाता है। अब मैंने लिया है यहाँ पे कलर वाली सूखी लाल मिर्च 4, जिसे मैं तोड़ के डाल रहा हूँ, और इसे भी हल्का सा हम फ्राई कर लेंगे। अब मैं इसमें डाल रहा हूँ सूखा नारियल, अगर आपके पास ताज़ा नारियल है तो वो भी आप डाल सकते हैं, लेकिन सूखे नारियल से जब हम गरम मसाला का कॉम्बिनेशन होता है तो टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। इसलिए मैंने 1 सूखा नारियल जिसे मैंने काट के लिया हुआ है उसे मैं फ्राई करके लूँगा, अच्छा सा ब्राउन करके हमको लेना है। मसाला अभी रेडी है तो इसे ठंडा कर लेते हैं, और ठंडा हो जाने के बाद इसे मिक्सर ग्राइंडर में अच्छी तरीके से पीस लेते हैं, और साथ ही साथ हमको ऐड करना है इसमें हरा धनिया। यहाँ पे मैं थोड़ा सा इमली भी इसमें ऐड कर रहा हूँ, क्योंकि ये विलेज स्टाइल रेसिपी है तो जैसे ही वहाँ बनता है वही मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और हरा धनिया ऐड करके हमको अच्छी तरह से ग्राइंड करके लेना है। जब तक ये मसाला ग्राइंड हो जाता है तब तक तो क्रैब्स पक जाते हैं। तो इसे खोल के देख लेते हैं, खुशबू तो बहुत ही अच्छी आ रही है और क्रैब्स भी लगभग पके हुए हैं। तो अभी हम क्या करेंगे, जो मसाला हमने पीस के रेडी किया है वो इसमें ऐड करेंगे, अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं मसाला ऐड कर रहा हूँ, और ग्रेवी आपको देखना है जितना आपको चाहिए थिक ग्रेवी वो हिसाब से आप इसमें पानी ऐड कर सकते हैं।
मुझे लगता है कि ये हमारे लिए काफ़ी हो जाएगा, लेकिन फिर भी मिक्सर में पानी डाल के मैं थोड़ा सा इसमें ऐड करने वाला हूँ और इसके ऊपर ढक्कन रख के हमको फिर से अच्छा सा उबाल लाना है इसमें, ताकि मसाले अच्छे से मिक्स हो जाए और मसाला पकना भी बहुत ज़रूरी है। तो इसे मैं और 5 मिनट के लिए मीडियम आंच पे पकाने वाला हूँ और अपनी करी जो है बन के रेडी हो जाएगी। लेकिन साथ ही साथ हमको नमक भी इसमें चेक करना है, क्योंकि क्रैब्स जब मैंने साफ़ किया था तो ऑलरेडी नमक ऐड किया था, लेकिन अभी मुझे इसमें नमक चेक करना है और मुझे लगता है थोड़ा ऐड करना पड़ेगा इसमें नमक। तो वो हिसाब से अपने स्वाद अनुसार आप इसमें नमक ऐड कर सकते हैं। तो मैं 1 टीस्पून इसमें नमक ऐड कर रहा हूँ और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं और अपनी करी, क्रैब की डिलीशियस करी बनके रेडी है। तो क्रैब की करी बिल्कुल बनके रेडी है और इसे मैंने ढक के रखा था ताकि जब हम खाना खाते हैं तो हम सर्व कर सकें। तो अभी हम इसे सर्व भी कर लेते हैं। एक बोल लिया है मैंने और आप देख सकते हैं कि ऑसम कलर आए, टेस्ट भी बहुत ही अच्छा है। अगर आप चाहते हैं तो ऊपर से आप कोरिएंडर यानी कि हरे धनिया से भी गार्निश कर सकते हैं और इसे गर्मा गर्म आप चावल के साथ, तो इसे बहुत ही अच्छा लगता है टेस्ट। अगर आप चाहें तो रोटी के साथ भी इसे एंजॉय कर सकते हैं। और बारिश के मौसम में अगर आपको इस तरीके के क्रैब्स मिले तो ज़रूर ये रेसिपी ट्राई कीजिए। और मुझे उम्मीद है कि आज की रेसिपी और विलेज स्टाइल कुकिंग रेसिपी जो है, स्पेशली जो मैंने आपके साथ शेयर की है, वो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आज का वीडियो पसंद आया है तो लाइक करना बिल्कुल मत भूले और साथ ही साथ इसे शेयर भी कीजिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो अभी सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकन के साथ, ताकि आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सके और वो बिल्कुल फ्री होता है, उसके कोई चार्जेस नहीं होते। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सपोर्टिंग हेल्थ एंड फन लाइफ।